नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र, एक ऐसी क्रिया जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे। जी हाँ, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी आप अपने वश में कर पाएंगे। आपके जीवन की जो समस्या है, आपकी जो भी परेशानी है, चाहे आप चाहते हो कि आपको लव मैरिज करनी हो, या फिर आपको बिजनेस में घाटा हो रहा हो, या फिर पति पत्नी में अनबन चल रही हो, अगर आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये विधि, जो कि कामाख्या देवी वशीकरण तंत्र क्रिया के नाम से जानी जाती है। इसे सिद्ध किया गया है, जी हाँ, ज्योतिष की दुनिया में जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा है, उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। बल्कि वो किसी भी तरह से कोई फीस नहीं लेते हैं और आपको समाधान मिल जाता है आपकी समस्या से। हर समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में समाधान होगा, चाहे लव मैरिज की समस्या हो, घर में कलेश हो रहा हो, काम कारोबार में घाटा हो रहा हो, विदेश यात्रा पे जाना चाहते हो, या फिर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, काला जादू हो गया हो, या फिर आपको कर्ज से छुटकारा पाना हो, माता पिता को मनाना हो, जी हाँ, हर तरह की समस्या का समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमारी एक ये जो हम आपको इस तरह का समाधान देंगे, उस समाधान से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप मुल्ला मौलवी या किसी भी तांत्रिक से धोखा खा चुके हैं तो एक बार हमारे नंबर पर कॉल करें और आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये तंत्र क्रिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी आप नकारात्मक या नेगेटिव मत सोचिएगा कि तंत्र क्रिया है तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसमें आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि खुद के बाल का इस्तेमाल करना है और उससे आपको ये विधि करनी है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाल नहीं लिया है, बाल की जगह पे मैंने धागा लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विधि है, तो मैं किसी का भी बाल लेकर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक धागे के ज़रिए बता रही हूँ कि ये कैसे आपको इसका उपयोग करना है। आपको अपने सर से 3 बाल तोड़ने हैं, उसके बाद आपको इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों, बाल जब आप ले लें, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि बाल के ऊपर आपको फूंकना होगा। जी हाँ, फूंकने के लिए आपको एक मंत्र चाहिए होगा। उस मंत्र का उपयोग करके आपको इस विधि को करना है। मंत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल लगाइए। आपको ये विधि शनिवार या मंगलवार के दिन करनी है। मंगलवार या शनिवार के दिन नहाकर स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और उसके बाद आपको अपने सिर के बाल रखने हैं अपने सामने, उन्हें अपने हाथ में इस तरह से रख लीजिए, उल्टे हाथ में, और उसके बाद सीधे हाथ से आपको उसे ऊपर से ढक देना है। इसके बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है और फूंकना है। इसके ऊपर फूंकते जाइए और आपको सिर्फ 21 बार ही मंत्र का उच्चारण करना है, 21 बार फूंकना है, और उसके बाद दोस्तों आपको ये जो बाल हैं ये ले जाकर किसी मिट्टी में दफन कर देने हैं। आपके घर के पास में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, सुनसान जगह हो, वहाँ पर जाइए और उसके बाद आपको इसे दफन करना है, यानी कि गाड़ देना है। 1 फुट गड्ढा खोदना है और उसे गाड़ देना है और उसके बाद आपको घर वापस आ जाना है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, चमत्कारिक है। आपका जो समाधान है, आपकी जो समस्या है, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आसान उपाय शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी है जो कि बाहर से जाके लेकर आनी है। तो आप इसे एक बार कीजिएगा, इसे आपको बार बार नहीं करना है दोस्तों। एक बार इस उपाय को करते ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप मंत्र जानना चाहते हैं तो तुरंत हमारे नंबर पर कॉल लगाइए, हम आपको मंत्र बताएंगे और इसे आप उपयोग में लेकर आइए। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, एक बार हमें कॉल कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।